बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। हम हजरत मोहम्मद काइंडनेस पढ़ रहे हैं, चैप्टर की कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हम इसमें क्वेश्चंस के आंसर समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने करने हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। सो हम देखते हैं कि नाउन्स कहते किस क्यों हैं। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। अ नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। ये किसी शख्स, जगह, जानवर, चीज या ख्याल का नाम है। जैसे पर्सन में मैन, एन, गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, प्लेस, पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस, किचन, एनिमल, डॉग, कैट, व्हेल, लाइन, बी, बुल, लिजर्ड और थिंग में बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिजीज, शू एंड कैप। तो किसी भी जगह के, आदमी के और एनिमल या जानवर या किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग आर आइडिया। कॉमन नाउन जो है वो किसी भी जगह का या चीज का नाम हो सकता है। जैसे कॉमन नाउन्स को जब लिखते हैं तो उनके जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल नहीं लिखते, बड़ा नहीं लिखते। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसको शुरू करते हुए हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन सेंटेंस के बीच में सिर्फ जो प्रॉपर नाउन है उनको कैपिटल में लिखा जाता है, कॉमन नाउन्स को लोअर केस में लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे टीचर, बेसबॉल और सिटी, कोई भी शहर हो सकता है। तो कॉमन नाउन्स आम चीजों के नाम होते हैं। फिर है जैसे हाउस, घर, कार, कोई भी कार हो सकती है, डॉग एनिमल का नाम है, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। जैसे बोट, किश्ती, बेबी, बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है, और डेस्क, कोई भी डेस्क हो सकता है जिसपे बैठते हैं। तो अब है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग आर आइडिया। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास चीज, जगह या बंदे का नाम होता है। जैसे जब प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा लिखते हैं, अपर केस। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जैसे पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान एक हमारा मुल्क है। हमने 1947 में एक जमीन का टुकड़ा हासिल किया और हमारा नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हमें इस्लामी निज़ाम नाफिज करना है। और हमारे रहनुमा कौन, कायद आजम मोहम्मद अली जना, जिन्होंने फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आप देखें कि दोनों प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड थ्री कॉमन नाउन्स एंड थ्री प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी है हजरत मोहम्मद काइंडनेस, उसमें से हमें थ्री प्रॉपर नाउन्स फाइंड आउट करने हैं और थ्री कॉमन नाउन्स। ठीक है, तो कॉमन नाउन्स में मैन, नेबर, ओल्ड वुमेन, यानी मैन आदमी, नेबर हमसाया, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत। प्रॉपर नाउन्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुस्लिम्स वो लोग होते हैं जो अल्लाह की बात मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन का नाम है। तो ये तीन हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं, हमने इनको कैपिटल लेटर से शुरू किया और वो हमारे पास
कॉमन नाउन थे, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई नाउन्स इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। ये हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स है, हमने इनको क्लासिफाई करना है प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स में। तो पहले देख लेते हैं कि एप्पल किसको कहते हैं। तो एप्पल एक फ्रूट का नाम है जो कि एप्पल ट्री पे लगता है, ठीक है। तो एप्पल जो है वो एक कोई भी एप्पल हो सकता है, तो ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर है मरी। मरी एक शहर है जो कि टूरिस्ट प्लेस्ड है, बहुत खूबसूरत शहर है, पहाड़ियां हैं इसमें ढके हुए, सब सरसब्ज। ये इस्लामाबाद से अगर आप ऊपर जाएं तो ये 45 किलोमीटर के सफर पे है, मरी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। फिर है मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर होती है जहां से 5 वक्त अजान दी जाती है, हया अल फलाह, फलाह की तरफ आओ। तो प्यारे बच्चों, असल में फलाह जो है, कामयाबी जो है, वो अल्लाह की खुशनुदी में है, अल्लाह की बात मानने में है, अल्लाह जो रब्बे कायनात है। तो ये एक कोई भी मस्जिद जो है वो एक नाम है जहां पे मुसलमान इबादत करते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन है। फिर है जनवरी। जनवरी एक साल में 12 महीने होते हैं और जो पहला महीना है सर्दियों का, बर्फबारी होती है इसमें, इसको जनवरी कहते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, आप देखें हमने इसका पहला वर्ड कैपिटल कर दिया। फिर है मिस्टर जावेद, एक आदमी का नाम है, तो ये भी एक खास आदमी का नाम है मिस्टर जावेद, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। फिर स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, हम स्कूल इसलिए आते हैं कि अपने अखलाक अच्छे कर सकें, अपनी तालीम भी हासिल करें और अपनी तरबियत भी करें। अगर आप स्कूल जाते हैं और आपने तहजीब नहीं सीखी, आपने अच्छी तरह बात करना नहीं सीखी, आपने सफाई नहीं सीखी, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। स्कूल प्यारे बच्चों, अच्छी आदतें और अखलाक अपनाओ ताकि पता चले कि आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, और उन बच्चों से फर्क हो जो स्कूल में नहीं पढ़ते। फिर है ट्यूसडे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ट्यूसडे मंडे के बाद और वेनसडे से पहले आता है, एक खास दिन है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। और बिस्किट, बिस्किट जो है एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको बेक करते हैं, चाय में भिगो कर खाते हैं, ये कॉमन नाउन है। और मीनारे पाकिस्तान, मॉन्यूमेंट है ये, वो यादगार है जब पहली दफा मुसलमानों ने एक करारदाद पास की 1940 में कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, जहां में हम अपने हिंदुओं से अलहदा कौम है, जहां अपने दीनी फराइज जो हैं वो बेहतर तरीके से अदा कर सकें। ये लाहौर में वाकया है मीनारे पाकिस्तान। रैबिट, रैबिट एक जानवर का नाम है, छोटा सा होता है और जो गाजर खाता है, ये देख रहे हैं आप, ये रैबिट, इसे उर्दू में खरगोश भी कहते हैं। तो ये हमारे पास, अब हम इसकी दो कॉलम्स बना लिए, एक तरफ हम कॉमन नाउन्स लिखते जाएंगे, एक तरफ प्रॉपर नाउन्स लिखते जाएंगे। तो ये एप्पल, मस्जिद, स्कूल और बिस्किट, रैबिट, ये कॉमन नाउन्स हैं। मरी, जनवरी, मिस्टर जावेद और ट्यूसडे और मीनारे पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं। आप देख रहे हैं कॉमन नाउन्स में हमने लोअर केस से शुरू होते हैं और प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज्ड लेटर से शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। तो प्यारे बच्चों, आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं तो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाएं। और उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।